YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को दिल्ली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय राज्य बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के साथ बैठक की। ये बैठक श्रम शक्ति भवन में हुई और इस दौरान स्मार्ट पावर ग्रिड गुरुग्राम और पानी के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और इसके साथ ही हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का एक विषय काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, वो स्मार्ट ग्रिड गुरुग्राम के लिए हमारा एक 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। उसमें एक सब्सिडी 75% सेंट्रल सब्सिडी हमको मिलनी थी, उसका एक पोर्शन हमको मिल गया था, लेकिन 550 करोड़ रुपया अभी बकाया था। तो मंत्री जी से हमने कहा तो इन्होंने कहा कि 550 करोड़ रुपया आश्वासन दिया है कि वो हम आपको जल्दी दे देंगे। तो इस प्रकार के दोनों विषयों के ऊपर हमारी जो सहमति बनी। गुड़गांव स्मार्ट ग्रिड का जो है 24/7 का जो हमारा प्रोजेक्ट वो चालू हो चुका है और उसमें निश्चित रूप से अब जितने भी पावर कट्स लगते हैं वो पावर कट्स वहाँ नहीं लगेंगे और 24/7 रेगुलेटेड एक पावर का जो सिस्टम है वो लगातार बिना किसी बाधा के और बिना किसी रुकावट के मिलेगा। अब चल रहा है उसके ऊपर, चार फेज उसके बनाए हमने, एक फेज पर काम पूरा हो गया, बाकी फेज पर काम चल रहा है। उसी में से एक 550 करोड़ रुपए का जो बकाया ग्रांट थी वो आज सैंक्शन आप लोगों ने कर दी है, वो हमको मिलेगी जी। दो विषयों पर हमारी बातचीत थी। मैंने आदरणीय मंत्री जी से, सिंह साहब से जो निवेदन किया था, समय तय किया था, एक विषय हमारा BBMB का था जिसके अंदर पानी की, क्योंकि लेवल उसका बहुत कम होता जा रहा है और उसके रेगुलेशन को लेकर के, ताकि बोर्ड को एक निर्देश दिया जाए उसका रेगुलेशन ठीक रखा जाए, क्योंकि उसमें अभी पानी का जो स्तर आ गया है तो आगे गर्मी बढ़ रही है, तो पीने के पानी का आश्वासन ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक तय हुआ कि पहली प्रायोरिटी हमारी पीने के पानी की होगी और उसके बाद इरिगेशन का जो विषय होगा, तो इस प्रायोरिटी के आधार के ऊपर पीने का पानी हमको लगातार इस आने वाले गर्मियों के समय में ये पूरा हमको उपलब्ध होता रहे।